उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के पुआया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुआया में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता एवं उपचार कैंप का आयोजन हुआ। वहीं शाहजहांपुर से आए डॉक्टर विवेक एवं डॉक्टर नंदिनी द्वारा मानसिक रोग क्या है, कैसे होता है समझाया गया। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर समझाते हुए डॉक्टर विवेक ने कहा कि मानसिक रोग सबसे अधिक खतरनाक है, घर या बाहर स्वयं को भी मरीज नुकसान पहुँचाता है, साथ ही वह दूसरों को भी हानि पहुंचा सकता है। वहीं बताते चले कि आयोजित कैंप में सैकड़ों लोगों को समझाते हुए डॉक्टर नंदिनी ने कहा कि जैसे आम रोग खांसी, जुखाम, बुखार या अन्य रोग होते हैं, वैसे ही मानसिक रोग भी एक अन्य रोगों की भांति काफी खतरनाक है, लेकिन इसका उपचार है। मानसिक रोगी का दिमाग क्या हरकत कर दे या कुछ को खुद पता नहीं चलता। हानि लाभ, टेंशन, पारिवारिक कलह, एकाकीपन के कारण ही यह मानसिक रोग इंसान को हो जाता है। उक्त समय से दूर रहा जाए तो मानसिक रोग नहीं होगा, परंतु इस रोग का भी अच्छे से इलाज है। मानसिक विभाग में PSW के पद पर कार्यरत हूं। यहां पर जैसा कि आपको मालूम है, आज समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पुआया में मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। इसका मेन मोटिव ये है कि हम जन जन तक ये पहुँचा सके कि मानसिक स्वास्थ्य हमारे लिए कितना जरूरी है और मानसिक बीमारियाँ होने पर हम कहाँ इलाज कराएं या हम इसका उपयोग, इसकी आवश्यकता कब पड़ती है और हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस प्रकार से शारीरिक बीमारी होती है, उसी प्रकार से मानसिक बीमारी भी होती है। अगर हमें सर्दी, जुकाम, बुखार होता है तो हम उसका इलाज कराने के लिए जाते हैं, उसी प्रकार अगर हमें मानसिक बीमारी है तो हम उसका इलाज कराने के लिए भी मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में जा सकते हैं। अब बात आती है कि हम मानसिक बीमारी को पहचाने कैसे, इसके लक्षण क्या होते हैं। तो कुछ मानसिक बीमारी आम जो होती है, उसके लक्षण हैं, सबसे पहले सर में दर्द होना, सर में भारीपन होना, नींद टूट टूट के आना, देर से आना या अत्यधिक आना, किसी काम में मन ना लगना, मन उदास होना, घबराहट, उलझन, बेचैनी होना, चिड़चिड़ापन रहना, अत्यधिक गुस्सा आना, ये मानसिक बीमारी के कुछ आम लक्षण हैं। अत्यधिक आवश्यकता ना होने पर भी अत्यधिक साफ सफाई रखना, साफ सफाई रखना अच्छी बात है, लेकिन आवश्यकता ना होने पर भी अत्यधिक साफ सफाई करना, ये भी मानसिक बीमारी के लक्षण है। आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोग अपने आप में बातें करते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, उन्हें अनजानी सी आवाजें सुनाई देती हैं, मरे हुए लोग दिखते हैं या ऐसे लोग दिखते हैं जिनसे वो बातें करने लगते हैं, ये भी मानसिक बीमारी के अंतर्गत आता है। और आज हम लोग यहाँ पर आए हैं इस शिविर का लाभ देने के लिए। आगे आप हमारे जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में आ सकते हैं, क्योंकि इस बीमारी को एक दिन में दवा देकर ठीक नहीं किया जा सकता है। इसके लिए प्रॉपर एक चैनल होता है कि आपको इतने से इतने समय तक दवा लेनी पड़ेगी, वो बीमारी के अनुसार होता है। लोगों के मनों में ये भ्रांतियाँ हैं कि इन दवाइयाँ खाने से हमें लत लग जाएगी, तो ये भी गलत भ्रांति है। दवा खाने से दवा की कोई लत नहीं लगती है, बस ये है कि डॉक्टर की सलाह के उपरांत ही आप इस दवा को बंद करिए, नहीं तो आपके अंदर वो दोबारा से परेशानी, जो आपकी बीमारी है, वो दोबारा से उत्पन्न हो सकती है और आप और अधिक कष्ट में पड़ सकते हैं। अगर किसी को भी कोई भी मानसिक समस्या है, आप मन कक्ष में आइए, वहाँ पर काउंसलिंग सेशंस होते हैं। काउंसलिंग सेशन, एक काउंसलिंग होने से आप नहीं ठीक हो सकते, उसके लिए प्रॉपर आपको काउंसलिंग सेशंस लेने पड़ेंगे और उनसे भी काफ़ी हद तक लाभ होता है। तो अगर किसी को भी ऐसी कोई भी समस्या है तो आप जिला चिकित्सालय में आकर दिखा सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, धन्यवाद। वास्तव में यदि देखा जाए, आज समाज में भांति भांति की कुरूतियां, अपवाद, विवाद, चिंताओं ने हर व्यक्ति के अंदर अपना घर बना लिया है। मोह माया में जकड़ा इंसान अच्छा कम बुरा अधिक सोचता है, तभी वह उलझनों का शिकार होता है, नतीजा मानसिक रोगी हो जाता है। कैंप में आए हुए सभी लोगों ने अपने अपने विचार रखे और कहा कि हमें उलझनों को अपने शरीर, मन, दिमाग से दूर रखना होगा, तभी हम सुखी, समृद्ध व निरोगी रह पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव रस्तोगी है और मैं जिला अस्पताल से मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम के साथ आज पुआया CHC में आया हूँ। यहाँ पे आज हम लोगों का 8वां मेगा कैंप है, जो हम पूरे वर्ष में 8 कैंप लगाते हैं, आज हमारा आखिरी कैंप है पुआया CHC पे, जिसमें कि हम लोग मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता, मानसिक विकारों का उपचार एवं IQ असेसमेंट, IQ की जांच, बौद्धिक परीक्षण और उसके बारे में बनने वाले जो सर्टिफिकेट होते हैं, जिनकी जितनी क्षमता होती है उसके हिसाब से, वो चीज़ें आज इस कैंप में आयोजित की गई है। डॉक्टर आसिफ ने ये प्रोग्राम और हम लोगों के डिस्ट्रिक्ट टीम ने कोऑर्डिनेट करके ये प्रोग्राम को आज
करने का वो पूरा तो पहले से सुनिश्चित किस तरह से उपचार दिया जाएगा या उनको दवाई भी उपलब्ध कराई जाएगी? मानसिक रोग, देखिए मानसिक रोग कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं कॉमन मेंटल डिसऑर्डर जिनको हम क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, OCD, ये सब बहुत कॉमन मानसिक रोग होते हैं जिनका उपचार हम दवाइयों से और काउंसलिंग की मदद से करते हैं। तो आज इस कैंप पे दवाई भी मुफ्त वितरण की जाएंगी, साथ में काउंसलिंग की सुविधा भी है। हमारे काउंसलर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहताश हमारे साथ हैं जो कि IQ असेसमेंट और काउंसलिंग करेंगे। हमारे साथ टीम में मिसेस नंदिनी हैं जो कि हमारी साइकियाट्रिक सोशल वर्कर हैं। ये टीम में ऑर्गेनाइजिंग का काम करती हैं। इनका रोल ये रहता है कि ये आउटरीच एक्टिविटीज़ करती हैं, लोगों से डायरेक्ट संपर्क में ये रहती हैं, है ना। और हम लोग जिला अस्पताल में अपनी 3 दिन की OPD करते हैं और 3 दिन हम विजिट्स पर रहते हैं, ठीक है। और हमारे साथ साइकियाट्रिक नर्स हमारे मोहन स्वरूप भी हैं। इसीलिए आज इस कैंप में फ्री दवाइयों का वितरण भी है जो कि सरकार की तरफ से है, और इसी के साथ साथ काउंसलिंग के जिन पेशेंट्स को ज़रूरत है उनको हम काउंसलिंग देंगे। जो पेशेंट काउंसलिंग का लाभ जिला अस्पताल में भी लेना चाहते हैं वहाँ पे भी हमारी टीम मौजूद है। अखंड भारत न्यूज़ के लिए अरविंद सक्सेना की रिपोर्ट, शाहजहांपुर।